हाँ बच्चों, अब अपना देखो रिफाइनिंग में कितने मेथड थे? 7, उनमें से 6 करा दिए मैंने। आप कहोगे 6 कौन कौन से करा दिए सर? याद करो, पहला डिस्टिलेशन, दूसरा लिक्विएशन, तीसरा इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, याद आया, चौथा जोन रिफाइनिंग, पांचवा कौन सा कराया? पांचवा कराया वेपर फेज रिफाइनिंग, छठवा वॉन आर्कल मेथड, इसके अलावा एक एडिशनल टॉपिक बता दिया मोल्ड प्रोसेस। अब सातवां और लास्ट कौन सा है? क्रोमेटोग्राफी। इसके करते ही आपका चैप्टर 1/3 हो गया। अब फिर कितनी मेटलर की बचेंगी? 4, यानी क्रोमेटोग्राफी के बाद 4 मेटलर की बचेंगी, जिंक, एल्यूमिनियम, कॉपर और आयरन। फिर एनसीईआरटी क्वेश्चन करो, फिर नया चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री। अब देखो बेटा, क्रोमेटोग्राफी क्या है? क्रोमेटोग्राफी वो टेक्निक है जिसमें हम कंपोनेंट्स को अलग करते हैं। किस आधार पर? कि उनकी एडजॉर्प्शन पावर अलग अलग होती है। तो क्रोमेटोग्राफी इज अ टेक्निक इन विच डिफरेंट कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर ड्यू टू डिफरेंस इन देयर एडजॉर्प्शन पावर्स। अब एडजॉर्प्शन पावर को ऐसे समझ लो, जैसे कोई टीचर एक पेज पूरा पढ़ा रहा है बच्चे को, तो एक पेज पूरा पढ़ाने पर क्या होगा? अगर 10 बच्चे बैठे हो तो क्या 10 बच्चों को पूरा पेज बराबर समझ में आएगा? कोई बच्चा 10 लाइन में से 8 समझ पाएगा, कोई 6, कोई 5, कोई 4, कोई 10 की 10 समझ लेगा। तो सब बच्चों की समझने की क्षमता क्या है? अलग अलग। इस समझने की क्षमता को ही आप एडजॉर्प्शन पावर से समझ लो। जैसे जिसकी 10 में से 10 लाइन समझ में आ गई तो उसकी एडजॉर्प्शन पावर सबसे ज्यादा है। जिसे 10 में से 5 समझ में आई उसकी एडजॉर्प्शन पावर एवरेज है। जिसे 10 में से एक आधी ही समझ में आई तो उसकी एडजॉर्प्शन पावर लो है। यही बस क्रोमेटोग्राफी में है कि अगर डिफरेंट कंपोनेंट्स को उनकी एडजॉर्प्शन पावर के आधार पर अलग अलग किया जाए तो यही टेक्निक कहलाएगी क्रोमेटोग्राफी। दोबारा डेफिनेशन सुनो, क्रोमेटोग्राफी इज द टेक्निक इन विच डिफरेंट कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर ड्यू टू डिफरेंस इन देयर एडजॉर्प्शन पावर। क्रोमेटोग्राफी के खोजकर्ता थे स्वेट। यहां पे ध्यान देने की बात है, टी को साइलेंट रखना है, स्वेट, टी साइलेंट है। क्रोमेटोग्राफी 3 टाइप की होती है। कितने टाइप की? 3। पहली होती है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। कौन सी? कॉलम। दूसरी जो होती है वो होती है थिन लेयर, और तीसरी होती है पेपर क्रोमेटोग्राफी। तीसरी कौन सी होती है? पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो पहली कौन सी होती है बेटा? कॉलम क्रोमेटोग्राफी, दूसरी थिन लेयर, और तीसरी पेपर क्रोमेटोग्राफी। 3 वर्जन होते हैं। इसमें एक बात समझाने की है कि जैसे अगर मैं थोड़ा सा आपको कॉलम क्रोमेटोग्राफी का डिटेल बता रहा हूं और थोड़ा समझना बात को, जैसे कॉलम क्रोमेटोग्राफी में क्या करेंगे? कॉलम क्रोमेटोग्राफी के लिए पहले एक ब्यूरेट लेंगे। क्या लेंगे? ब्यूरेट। एक लंबी ट्यूब होती है ऐसी, कांच की, निशान डले होते हैं, उसके नीचे यहां पर कॉटन लगाकर बंद कर देंगे यहां पर। फिर इसके अंदर भरेंगे Al2O3 और SiO2 का मिक्सचर। किसका मिक्सचर भरेंगे बोलो? Al2O3 और SiO2 का। क्योंकि अब ये मिक्सचर इसके अंदर भर गया है, कांच की ट्यूब के अंदर ये भरा हुआ है, तो ये इसका लुक जो है वो पिलर लाइक लगेगा। पिलर समझते हो? खंबा। खंबे के लिए वर्ड क्या है इंग्लिश में? कॉलम। इसीलिए इसका नाम पड़ा कॉलम क्रोमेटोग्राफी। अब जिन कंपोनेंट को अलग करना है उसको डालो। जैसे पालक का रस होता है, उसके अंदर 3 कंपोनेंट होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और ज़ैंथोफिल। रिपीट, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और ज़ैंथोफिल। तो यहां पे मान लो आपने पालक का रस डाल दिया बहुत सारा, जिसमें 3 चीजें हैं, क्लोरोफिल ए, बी और ज़ैंथोफिल। तो थोड़ी देर बाद क्या होगा? इन तीनों कंपोनेंट की एडजॉर्प्शन पावर क्या है? अलग अलग। तो एक अपनी लेयर बनाएगा, दूसरा अपनी अलग लेयर बनाएगा, और तीसरा अपनी अलग लेयर बनाएगा, और ऊपर से ये सारा खत्म हो जाएगा। तो 3 लेयर बन जाएंगी, एक क्लोरोफिल ए की, एक क्लोरोफिल बी की, और तीसरी ज़ैंथोफिल की। तो ये तीनों कंपोनेंट अलग अलग हो गए। क्यों अलग अलग हो गए? क्योंकि इनकी एडजॉर्प्शन पावर में अंतर है। तो यही टेक्निक है क्रोमेटोग्राफी। क्या है? क्रोमेटोग्राफी। बात समझ में आई?
ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी समझाइए। अब आप कहोगे पेपर क्रोमेटोग्राफी में क्या करते हैं, उसमें बेटा पेपर क्रोमेटोग्राफी में एक पेपर लेते हैं, उसका नाम होता है वाटमैन फिल्टर पेपर, वाटमैन फिल्टर पेपर, उसको पेंसिल की शेप में कट कर लेते हैं, देखो ऐसा, फिर उस पे यहां पे लाइन बनाकर पालक का रस डालते हैं, यहां पर कैपेलरी की सहायता से 8-10 बूंदे, किसका रस, पालक का, यहां पर एक बीकर के अंदर हम भर देते हैं एसीटोन, क्या भर देते हैं, क्या भर देते हैं, एसीटोन, एसीटोन यहां पर वर्क करेगा इल्यूएंट का, किसका वर्क करेगा, इल्यूएंट का, किसका वर्क करेगा, इल्यूएंट का वर्क करेगा। अब इसकी टिप इससे टच हो रही है, तो देखो यहां से क्या है, ये पेपर कैपिलरी से मिलके बना है, छोटी छोटी महीन कैपिलरी से मिलके बना है, तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग सरफेस टेंशन इन कैपिलरी से वर्क करेगी, तो इससे ये लिक्विड ऊपर चढ़ेगा और यहां पर बार बार ठोकर मारेगा, इससे ये तीनों कंपोनेंट अलग अलग जगह पे सेटल होंगे, एक ऐसे और एक ऐसे, तीन मार्क बन जाएंगे, एक क्लोरोफिल ए का मार्क होगा, एक क्लोरोफिल बी का मार्क होगा और एक जेंथोफिल का मार्क होगा। तीन मार्क बनने का मतलब है पालक का रस एक चीज नहीं है जो हमें हरा सा नजर आ रहा है, वो असली में तीन कंपाउंड का मिक्सचर है। अब एक टर्म होता है पेपर क्रोमेटोग्राफी में, ये पेपर क्रोमेटोग्राफी है और ये कौन सी थी, कॉलम। पेपर क्रोमेटोग्राफी में एक वर्ड होता है आरएफ, फुल फॉर्म होती है रिटेंशन फैक्टर, क्या होती है, रिटेंशन फैक्टर, आरएफ रिटेंशन फैक्टर। रिटेंशन फैक्टर का मतलब है बेस लाइन, ये कहलाती है रिटेंशन फैक्टर का मतलब है बेस लाइन से कंपोनेंट कितना चला, मान लो ये कंपोनेंट यहां से चल गया 5 सेंटीमीटर और बेस लाइन से इल्यूएंट कहां तक चला, इल्यूएंट तो पूरा ऊपर तक चला होगा, मान लो ये डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर, कितनी 20, तो आरएफ क्या हुआ 5/20, तो आरएफ का मतलब क्या है, बेस लाइन से कंपोनेंट कितना चला अपॉन बेस लाइन से इल्यूएंट कितना चला। अब आप कहोगे सर इसका मार बताइए, मान लो ये डिस्टेंस कितनी है बेटा 10, कितनी है 10, तो इसके लिए आरएफ क्या बनेगा, बोलो सोचिए, 10 और इल्यूएंट कितना चला था 20, मान लो आप इसके लिए देखना चाह रहे हो, मान लो ये डिस्टेंस कितनी है 15, कितनी है 15, तो ये बेस लाइन से कितना चला 15 और ऊपर तक कितनी डिस्टेंस चला था इल्यूएंट 20, तो ये 15/20। दोबारा समझो, आरएफ का मतलब है, आरएफ फैक्टर का मतलब है बेस लाइन से कंपोनेंट द्वारा चली गई डिस्टेंस, कंपोनेंट कौन कौन है, क्लोरोफिल ए बी और जेंथोफिल, अपॉन बेस लाइन से इल्यूएंट द्वारा चली गई डिस्टेंस, इन दोनों का रेशियो ही क्या कहलाता है, आर एफ। इसके साथ ही क्रोमेटोग्राफी खत्म, अब जिंक की मेटलर्जी कल आपको पढ़ाएंगे। ओके थैंक यू बच्चों, पढ़ के देखना।